सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय राजनीति की महिमा परंपार है और कई तरह की राजनीति चर्चा में है, जनता के मुद्दे को छोड़कर। बयानों की राजनीति, धार्मिक मुद्दों की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। और फिलहाल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा इस समय इसी पर चल रही है। बात कितनी भी कहें, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे नेता हो, चाहे वर्ग विशेष का लोग हो या कोई ज्ञानी हो, यहाँ पर सबके बयान देने में बयानवीर हो चुके हैं। खैर, यहाँ पर बयानवीरों की बात कहें तो यहाँ पर बयानवीरों का सिलसिला केवल धर्म तक नहीं बल्कि अब धार्मिक ग्रंथों तक पहुँच गया है। और शुरुआत अगर मैं कहूँ तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। वो बॉल जो बिहार से चली थी वो तपरेस में आई, उस बॉल को यानी उस गेंद को लपक लिया सपा के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और वो लगातार उस गेंद के साथ फिलहाल उस मामले के साथ अपने आप को बनाए हुए हैं चर्चा में। कोई व्यवस्था में नहीं बनाए हैं, ना ये संकट जनता के लिए हो रहा है, केवल अपने आप को चर्चा में बनाए हुए हैं। और चर्चा उन्होंने ये कह दी कि रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों में दिक्कत है और वहाँ पर शूद्रों का, दलितों का और नारी का अपमान किया गया है और वो चौपाइयों को हटना चाहिए। उसके बाद लगातार जो हिंदू संगठन है या BJP है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हुए, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए और कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए और धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे धार्मिक ग्रंथ के साथ अगर कुछ कहेंगे तो वो नागवार गुजरेगा हर एक हिंदू को और हर एक धार्मिक ग्रंथ को मानने वाले को। खैर, उसके बाद लगातार बयानबाजी सिलसिला RSS प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा भी जारी है। उन्होंने भी बयान दिए, हालांकि उन बयानों के बाद वहाँ से कुछ सफाई भी आई। कहा गया कि जो बयान उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को लेकर दिया था वो पंडित, उन्होंने ज्ञानी कहा था, ना कि ब्राह्मणों को लेकर कहा था। हालांकि कुछ लपटें जरूर उठी थी, पर उन लपटों से नुकसान कितना आने वाले समय में होगा वो किसी को नहीं पता। फिलहाल सफाई ये दी गई थी RSS से कि ये बयान है वो पंडित को नहीं बल्कि विद्वान को देता। खैर, यहाँ पर बयान दोबारा चर्चा में, वो बयान इस बार पंडित को लेकर नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों को लेकर है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने उसको लपक लिया है। इसलिए क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बयान को लेकर चर्चा बने रहे थे, जिस पर लेकर उनकी आलोचना हो रही थी, उसी बयान को यहाँ पर जुड़ा हुआ एक बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर हम बात ग्रंथों की कर रहे हैं तो पुरानी परंपराओं में मौखिक ज्ञान होता था, मौखिक परंपरा चलती थी, उसके बाद ग्रंथ आए और ग्रंथ को लेकर भी कई ऐसे लोगों के हाथ में चले गए जिन्होंने ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की और तमाम ऐसी चीज़ें उसमें शामिल कर दी जो कि ठीक नहीं है। और सपा ने तुरंत इस बात को गंभीरता देते हुए ट्वीट भी कहा कि अब धार्मिक ग्रंथों पर जिस तरह से मोहन भागवत एक सवाल उठा रहे हैं, इन पर मुकदमा कब होगा, इनका पुतला कब फूंका जाएगा, इन पर कार्रवाई कब होगी, मेरे पूरी चर्चा वैसा है। कुछ बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये चॉइस तो हमारा है, ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया, पहले हमारे यहां ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है, उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है, उस अनुशासन से ही तो उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से यहाँ पर धार्मिक टिप्पणी हो रही है। धार्मिक ग्रंथों पर हमने हमेशा देखा, जब भी धर्म ग्रंथ की बात हुई या धर्म पे कोई बात हुई तो नुपुर शर्मा जैसे मामले भी सामने आए और कहीं ना कहीं ये हमारे देश की व्यवस्था और सौहार्द के लिए ठीक भी नहीं है। पर धर्म पर इस तरह की चर्चा क्यों? जिस धार्मिक ग्रंथ को प्रत्येक हिंदू या जो मानने वाला है वो अपने पूजा स्थली में रखता है, उसका पाठ करता है, उसकी संस्कृति में शामिल है,
उसको लेकर उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर एक नई तरह की जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं उससे लेना देना क्या है, क्या एक एजेंडा है, या वास्तव में अब लोग ये चाहने लगे हैं कि धर्म की और ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, या ये केवल एक बयान है जो चर्चा में रहने के लिए जरूरी है। फिलहाल बयान हो, एजेंडा हो या चर्चा हो, फिलहाल इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। मेहमान जी रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपना पक्ष रखेंगे, आलू पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल लगा प्रवक्ता भाजपा से, विवेक भाई अब तक जहां पर अटैकिंग थे अब वहां पर डिफेंस करना पड़ेगा, क्या क्या समझेंगे, ये एजेंडा है या बयान है या वास्तव में इस तरह की जरूरत है देश में विकास के मुद्दे छोड़कर इस तरह की जरूरत? जी देखिए, मोहन भागवत जी ने जिस कार्यक्रम में इस तरह की बात की है, उन्होंने अपने धर्म की विशेषता बताते हुए बातें कही कि हमारे ऋषि महर्षियों ने दुनिया के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अन्वेषण किए जी, और हमारा जो धर्म है विज्ञान आधारित धर्म है। अच्छा, और जो भी चीजें हमारे धार्मिक आचरण में है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार से उनको पुष्टि प्राप्त होती है। अच्छा, और इसी क्रम में उन्होंने ये कहा कि यदि कोई ऐसी चीज इसमें जोड़ी गई जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं है तो उसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये बयान दूसरे तरह का है। अच्छा, इस बयान को आप इन लोगों के बयानों से न जोड़ के देखे, ये एक संगठन के प्रमुख का अपने धार्मिक विषयों में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहने वाला विचार है। अच्छा, जिस तरह से हमारे समाज में तमाम हमारे लोगों के द्वारा समाज सुधार किया गया, सती प्रथा, विधवा विवाह, तमाम ऐसी चीजें हमने सुधारी अपने यहाँ, उसी क्रम में इस बयान को जोड़ के देखा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज तो सती प्रथा पे बोल लेते, धार्मिक घटना को चलेगा भाई, सती प्रथा पे बोल लेते भाई, हमारे महापुरुष रहे, तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया है, सती प्रथा पे उठाया है, बाल विवाह को उठाया है, तो उसके लिए बोल दिए होते। ये धार्मिक ग्रंथ में बना के वैज्ञानिक आधार क्यों मांग रहे हैं भाई, अब वैज्ञानिक आधार क्यों मांग रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा कि जिस कालांतर में अगर कोई उसमें ऐसी चीजें जोड़ी गई जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है तो उनकी समीक्षा करके उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता, उन्होंने ये बात कही। हाँ, इसमें कहीं से कोई ऐसी बात तो रामचरित मानस पे बात कही क्या उन्होंने, किस पे बात कही है? नहीं, उन्होंने रामचरित मानस का तो नाम नहीं लिया है। अच्छा, उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ का नाम भी नहीं लिया है। अच्छा, उन्होंने तो एक वैज्ञानिक आधार की बात की है। हाँ, आमतौर पे हमारे यहाँ सारी चीजों के बहुत भीतर भी कर्म कांड है। अच्छा, सबका हमारे यहाँ वैज्ञानिक आधार है। अच्छा, अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो उसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। तमाम चीजें, जैसे हम अगर हम पीपल को पूछते हैं तो पीपल की स्थिति तो पूजा पद्धति बोल में क्या है, पूजा पद्धति बोल सकते थे, पूजा कर्मकांड बोल सकते, धार्मिक ग्रंथ क्यों बोला भाई? धार्मिक ग्रंथ का आशय उनका ये था कि जैसे पहले की जो चीजें थी सूत्रों के आधार पे थी, मौखिक थी, फिर ग्रंथ आए, फिर ग्रंथों में लिखा गया, लिखने के दौरान कालांतर में इधर उधर हस्तांतरित होते हुए बहुत से धर्म ग्रंथ हमारे नष्ट भी किए गए। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है उसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता, उन्होंने ये सरलता ऐसी समीक्षा सपा वाले कर रहे थे तो आपको तकलीफ हो रही थी? नहीं, देखिए सपा वाले तो जिस धर्म विशेष टिप्पणी कर रहे, अच्छा, वो ग्रंथ विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी भाषा को उन्हें समझ नहीं है, वो अवधि की लिखी गई पुस्तक है और उसका जिस तरह से ट्रांसलेशन अपने समझ से कर रहे थे उस पर आपत्ति थी। अच्छा, हम किसी अपने ग्रंथ की समीक्षा से परहेज नहीं करते। अच्छा, हम कोई इस्लाम के अनुयायी नहीं है। अच्छा, कि हमें अपनी इस तरह की समीक्षा से परहेज, हम उदारवादी धर्म है। अच्छा, हम हमेशा इस विषय में उदार हृदय रखते हैं। अच्छा, अगर कोई सुधार है। अच्छा, हम करने के लिए सपा वाले ट्वीट किए भाई, सपा वाले ट्वीट किए कि भाई अब इनका पुतला कब फूकेगा, इन पे कार्रवाई कब होगी, इन पर इनाम कब रखेंगे,
पूछ रहे हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है, दिवालियापन हर बात को अपने अपने तर्कों में जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका उससे अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, फिर दूसरे मेहमान को लेता हूँ। इस समय इस व्यवस्थाओं की, इस बयानों की जरूरत क्या है? नहीं, जिस कार्यक्रम विशेष को बोल रहे तो उस कार्यक्रम विशेष को आप देखिए ना। अच्छा, वो कार्यक्रम क्या था? अच्छा, उस कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। अच्छा, जिस कार्यक्रम विशेष में बोल रहे थे उस कार्यक्रम विशेष से उसको जोड़ के देखे जाने की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा कार्यक्रम वैसा बयान, ठीक है। विवेक पांडे बहुत मुस्कुरा रहे थे भैया, आप ऐसी क्या बात कर दी विवेक भाई ने, क्या मुस्कुरा रहे थे लगातार? बयान ही तो दिया है, बयान तो आप लोग भी बहुत देते हैं, और जैसे फिर राजनीति बयानों की चल रही है, मुद्दे तो कोई संघर्ष करता रूम नहीं आता कोई। भाई बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई पहले तो पूरे मंच को बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ आपके मंच को, आपको कि आज आपने इस विषय को कम से कम यहाँ पे रखा है, और जिसपे की पुनर्निरीक्षण समीक्षा करने के लिए जी आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित है। तो अपनी बातों को अनुमोदन की अभिव्यक्ति के साथ रखना चाहूंगा। अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी ने एक शब्द कहा, समीक्षा समय समय पर आवश्यक है, लेकिन समीक्षा तब आवश्यक नहीं थी। अच्छा, जब बात इनके कैडर से नहीं, बात समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कही। मैं एक सवाल पूछूंगा, एक शब्द जिसको लेकर के आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि हमको धार्मिक बयानों से बचने के लिए कहा गया है, फिर भी आज विषय है तो उठाना जरूरी है जी। शूद्र को आप जो शब्द है, शूद्र जो एक शब्द है जी, इसको आप धर्म मानते हैं कि विज्ञान मानते हैं जी? इसको आप ग्रंथ मानते हैं कि गति मानते हैं? इसको आप चरण मानते हैं कि दिशा मानते हैं? क्या बात है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि शूद्र शब्द की समीक्षा आवश्यक है कि नहीं है, इस पे भी बात हो जाए आगे। ठीक, अब एक बात बताता हूँ, मानसिक दिवालियापन किसको कहते हैं, पहले उसका उदाहरण दे दीजिए। बहुत अच्छा लगता है, इनके मुंह से अक्सर सुनता हूँ मानसिक दिवालियापन। तो सदन जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जहाँ पे पक्ष विपक्ष के लोग बैठ करके जनता की मुद्दों की नीतियों पर चर्चा विचार विमर्श करके विकास की गति को तय करते हैं, वहाँ पे जब इनके खन्ना जी खड़े होकर के मानसिक दिवालियापन दिखाते हैं पूरे सदन पूरे देश के सामने, लाइव सदन के सामने, देश की जनता के सामने, रोजगार का इंतजार कर रहे युवकों के साथ, बेरोजगारों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, जब उनके भविष्य को लेकर के झूठ बोलते हैं कि यूपीएसआई से संबंधित भर्तियों से संबंधित जितनी, अरे भर्ती नहीं भैया, भर्ती लीजिए मेरी बात आ जाए, मानसिक दिवालियापन की बात बता रहा हूँ। मानसिक दिवालियापन क्या होता है? यूपीएसआई की भर्ती से जुड़ी जितनी रिट थी हाईकोर्ट में लगभग खारिज हो गई, ऐसी उन्हें सूचना मिली है। 85/81/2022 मार्च को लिस्टेड है और टॉप 10 में लिस्ट की गई है आदरणीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी जी की बेंच में है। अच्छा, तो मानसिक दिवालियापन इसको कहते हैं, देश के सामने झूठ परोसना। अच्छा, जैसा कि इन्होंने पूर्ववर्ती में किया, जब समीक्षा की बात की गई थी, हमने भी समीक्षा की बात की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी समीक्षा करने की बात की थी, उस समय सबका जितना अंदर धर्म था खतरे में आ गया, सबके जो अहंकार थे सामने आ गए, सबके जो भाव चरित्र थे कुठाराघात को प्राप्त हो गए, सभी सड़क पे आ गए, आंदोलनरत हो गए, FIR होने लगी, क्रांति आ गई। लेकिन अरे रुक जाइए, लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि आज जब आरएसएस जो कि थिंक टैंक है भाजपा की, जब उन्होंने ये शब्द कह दिया कि ग्रंथ नहीं परंपरा थी, ग्रंथ इधर उधर भटकने लगे, अरे क्या तो रहे उनको कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बोले हैं। हाँ, तो बिल्कुल कार्यक्रम में ही बोला जाता है भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी जब विवेचना की या समीक्षा की बात की थी, वो भी कहीं बैठे थे, वो भी कोई कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन मुद्दा ये है, विषय ये है, आज भारतीय जनता पार्टी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, नीतियां स्पष्ट नहीं है क्यों, उसका भी कारण बता दूं, दिशाहीन प्रवृत्ति की पार्टी है ये। एक प्रचार मंत्री है जो केवल प्रचार में व्यस्त रहते हैं, उनका काम केवल प्रचार करने का है, वो भी मुख्यमंत्री बनते हैं जी। एक वो अक्सर दिल्ली दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री अपने आप को साबित करने के लिए जी। एक इनके छापा मंत्री हैं जो केवल छापेमारी करते हैं, छापेमारी छापेमारी करते रहते हैं, वो भी स्वघोषित मुख्यमंत्री हैं। और एक इनके मुख्यमंत्री जिनकी की कोई अधिकारी सुनता ही नहीं। अच्छा, आप तो पहले ये बता दे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, वास्तविक उत्तर प्रदेश की का नेतृत्व जो है दिशाहीन है। आपके समय में कई मुख्यमंत्री थे भाई? नहीं, हमारे समय में तो एक मात्र आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जिनके विकास कार्य दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो दिल्ली, वो तो विरोध सियासत बताएंगे। यहाँ तो दिल्ली की सियासत, आपके समय कितने मुख्यमंत्री थे? बता रहा हूँ, सुन लीजिए, यहाँ तो दिल्ली की सियासत यूपी पे और यूपी की सियासत दिल्ली पे तय नहीं कर पा रही है। हाँ, कि समीक्षा करनी है कि विरोध करना है।
मैं तो पूछ रहा हूँ, जरूरी है ना भाई, रास्ता तो यही से होकर जाता है केंद्र का। एक बात बताइए, धर्म तो प्राकृतिक दुनिया के साथ आध्यात्मिक अलौकिक व्यवहार करवाने की प्रेरणा देता है। अच्छा, विज्ञान प्राकृतिक दुनिया की परीक्षा करता है। अच्छा, और विवेक नहीं होगा तो विज्ञान से विनाश होगा। अच्छा, और विज्ञान गति देता है, धर्म दिशा देता है। अच्छा, और चरण विज्ञान चरण देता है तो धर्म दृष्टि देता है कि आपके पैर जो है सही दिशा में चले। यहाँ तो दोनों ही तरीके से दिशा ही ना भाजपा आज अपने थिंक टैंक मोहन भागवत का सब क्यों नहीं कर पा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। आलोक पांडे राजनीति विशेषक, आलोक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सर उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ब्रो सिंह कांग्रेस, ब्रोड भाई कैसे देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है? मुझे समझ में ये नहीं आता है कि बयानबाजी जरूरत क्या है। देखिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बेबाकी से अपनी बात रखने वाले भाजपा के साथी भी आज पूरी तरीके से खिचड़ी बनाने में लगे रहे जी। लेकिन उनकी खिचड़ी आपके दर्शकों में किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इस प्रकार का मानसिक दिवालियापन, कन्फ्यूजन या अंतर्द्वंद या डरी सहमी भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया, मैं दो तीन बातें कहूंगा। धर्म पर टीका टिप्पणी समीक्षा करने का अधिकार धर्म से जुड़े धर्माचार्यों का है। हाँ, विद्वानों का है। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति को इससे, ये मेरी अपनी राय है व्यक्तिगत, और ये होना भी चाहिए। राजनीतिक लोगों को सस्ती हल्की लोकप्रियता के लिए, हाँ, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, चर्चा का केंद्र बनने के लिए ऐसे गैर वाजिब बयानों से बचना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब चूंकि मोहन भागवत जी ने कहा है, हाँ, तो मोहन भागवत जी की बात को ना मानते हुए भी, उसका कोई आधार ना जानते हुए भी, विवेक जी की मजबूरी को आप समझिए, उनको उनको बचाव करना है जी। लेकिन सवाल ये है, मैं दो तीन बातें विवेक जी से पूछूंगा और भाजपा और आरएसएस से जी। अगर ये जी जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, शूद्रों शूद्र को सम्मान की उपेक्षित, पिछड़ों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो ये घोषित कर दें अगर इनको इतनी ही पीड़ा है कि आगामी जो अगला भविष्य का आरएसएस प्रमुख होगा, नहीं हाँ, वो दलित होगा, हाँ, उस समुदाय से आएगा। अच्छा, जो अभी तक आरएसएस ने नहीं किया। अच्छा, और एक अगर संदेश ही देना चाहते हैं तो इनकी सरकार, इनके विचारधारा की सरकार है, उसको उसको तत्परक तरीके से संदेश दें। अच्छा, ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करके राजनीति में एक अपनी जगह बनाने के लिए, और सुनते हैं कि आरएसएस के लोग थोड़ा सा ये चमक धमक से दूर रहते हैं, अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी का ये मानसिक विकार, ये तत्परता, ये उत्सुकता, ये व्याकुलता, ये आधारहीन बार बार ऐसी बात करना, ये क्या संदेश दे रहा है? अच्छा, क्या भाजपा में कई पावर सेंटर तो नहीं हो गए? देखिए इसके, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, समझते हैं। हाँ, लगातार सत्ता का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में इतने सब लोगों ने अपनी तलवारें निकाल ली है। आपके संदेश ये बात मुझे याद आ गई कि राहुल गांधी कल लंदन गए थे, वहां पर भी उन्होंने भारत को लेकर टैपिंग को लेकर तमाम तरह बातें कही। तो क्या विदेशों में भारतीय व्यवस्था की बुराई करना ऐसे मंच पर जहां पर हम अपनी छवि को लगातार बनाने में लगे हुए हैं, अपने देश की बातों को वहां सार्वजनिक करना, मुखर करना, क्या वो मंच जरूरी है? ये व्यवस्था जरूरी है? अभी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को आगे उठाने की बात कर रहे हैं, पर इस तरह का बयान? मैं आपको बताता हूँ, जो हो रहा है, जो वास्तविक स्थिति है, उस पर बात करना सही है, साहसी काम है, कि झूठ बोलना उसको छुपाना काम है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सैद्धांतिक रूप से, राजनीतिक रूप से खड़ा होना, हाँ, बेखौफ होके भारतीय जनता पार्टी के तमाम अनर्गल, लंदन में, लंदन या कहीं पर, लंदन में कहीं पर भी, हाँ, असत्य को, गौरव जी असत्य, हाँ, को कहीं भी स्वीकार, अरे यहाँ खड़े होइए ना, यहाँ करिए, तो लगातार खड़े विद्रोह करिए, नहीं नहीं यहाँ पर लगातार निकाल लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ प्रोपेगेंडा है, हाँ, पूरा विश्व जानता है भारत में किस प्रकार की दयनीय स्थिति हो गई है, किस प्रकार से तानाशाही कल्चर हावी है, किस प्रकार से लीडरशिप के नाम पर मनमर्जी और जबरदस्ती, इसके खिलाफ कोई भी जगह मिले, मैं एक लाइन में बोल, आजादी की पक्षधर, लोकतांत्रिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से अपनी बात करने का कोई भी वो प्लेटफॉर्म, कोई भी वो सुअवसर, कोई भी वो उम्मीद हम छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, हम इनसे डरने दबने वाले नहीं है। ठीक है ठीक है, लंदन में जाके बोलेंगे, भारत में नहीं बोलेंगे। ठीक है, राजनीति विश्लेषक आलोक पांडे, आलोक भाई क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर तमाम तरह के बयान चल रहे हैं, खैर जनता के नीति तो मुद्दे तो भूल ही चुके हैं, वो तो हमारे सारे राजनीतिक दलों की व्यवस्था चल रही है, पर जिस तरह से अभी संघ प्रमुख का बयान आया है उसको लेकर समाजवादी पार्टी फिर सक्रिय हो गई, हालांकि अभी कुछ समय पहले
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि धार्मिक मुद्दों पे हम लोग नहीं बोलेंगे, पर फिर से एक ट्वीट वार फिर शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि क्या बीजेपी धर्म पर ही चुनाव लड़ने जा रही है क्या 2024? लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि क्योंकि अगर कोई मुद्दा धर्म का शांत होता है तो फिर उस घाव को फिर आरएसएस वाले ही या बीजेपी फिर उसे जगा देती है, जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बस इतना अंतर है कि आरएसएस प्रमुख ने उस बात को सलीके से कहा है क्या? और स्वयं प्रसाद मौर्य ने सलीका तोड़ दिया है, बात लगभग एक ही है जी। बात में अंतर ज्यादा नहीं है, बस कहने के तरीके में अंतर है। हाँ। जैसे भाजपा के एक प्रवक्ता ने बयान दिया था तो यही एक बात आई थी, तरीका गलत था उनका जी। तो इसमें आरएसएस प्रमुख जी का भी तरीका सही है, स्वयं प्रसाद मौर्य का तरीका गलत है, लेकिन बात तो दोनों एक ही है। उन्होंने बृहद रूप में कह दिया है। हाँ। बड़े रूप में कह दिया, घुमा के कह दिया है। पढ़े लिखे आदमी तो ज्यादा होंगे, होशियार ज्यादा है, घुमा के कह दिया है। लेकिन मैं अंतर नहीं देख पा रहा हूँ, बात तो एक ही है भाई। कोई भी व्यक्ति, हमारे धर्मग्रंथ जो लिखे हैं उनमें, चाहे वो आरएसएस प्रमुख हो चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, उसकी साइंटिफिक व्याख्या करने की क्या जरूरत है भाई? बहुत बढ़िया बात कही, जरूरत क्या है जी, उसकी जरूरत क्या है? देश तो संविधान से चल रहा है जी, देश तो न तो कुरान से चल रहा है, न बाइबल से चल रहा है, न भगवत गीता से चल रहा है, न रामचरितमानस से चल रहा है जी, बिल्कुल। तो उसमें एक नई तरीके का विवाद उत्पन्न करना, उसकी नई साइंटिफिक व्याख्या करना, धर्म की साइंटिफिक व्याख्या क्या होगी भाई? मुझे आज तक धर्म की साइंटिफिक व्याख्या समझ में आई नहीं। विवेक श्रीवास्तव बताएंगे, अभी बताएंगे विवेक श्रीवास्तव, भाजपा वाले बताएंगे। भाई बात पूरी करिए अपनी, बोलिए। तो धर्म को धर्म रहने दीजिए। हाँ, धर्म में कुछ धर्म ऐसे जिसमें साइंस का पुट बिल्कुल नहीं है, कुछ धर्म ऐसे जिसमें साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन धर्म पूरा साइंस नहीं हो सकता बिल्कुल, और साइंस पूरा धर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म इमोशंस के आधार पर भी चलता है और साइंस बिल्कुल इमोशनल नहीं होती, साइंस लॉजिकल होती है, और मानव द्वारा जो फॉलो की गई कोई चीज है वो पूरा लॉजिकल या लॉजिकल नहीं हो सकती है, उसमें इमोशंस का पुट होगा। तो इमोशंस और तर्क को अलग अलग रखना चाहिए। साइंस तर्क बेस्ड होता है, धर्म में इमोशंस भी होते हैं, तार्किकता भी होती है, तो इसलिए दोनों चीजों को मिलाना ठीक नहीं है। धर्म में जो हो गया जिसे हम मान रहे हैं उसको मानते रहे, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। देश तो संविधान से चल रहा है, देश तो किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं चल रहा जी। अलु पांडे, मेरे सवाल आपसे जरूर रहेगा, आपको लगता है कि अब जो राजनीतिक दल है हमारे देश के, वो धर्म को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना चुके हैं, केवल इसी पे खेलते हैं, किसी पे बात करना चाहते हैं, और सबसे अच्छा और टिकाऊ टॉपिक उनके लिए बन चुका है, जनता के मुद्दे भूल चुके हैं, ना बड़े मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और ना बड़े मुद्दों में उनकी दिलचस्पी है। जितने भी दल हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, सबका एक एजेंडा सेट हो चुका है कि अगर ये मुद्दा उठेगा तो उस पर हम वैसा बोलेंगे और बाद में उससे पीछे भी होंगे, तो जरूरत है इस चीज की क्या हमारे देश को? देखिए जी, जैसे ह्यूमन बॉडी में डोपामाइन हमें उत्तेजना क्रिएट करता जी, इसी तरीके के लिए राजनीतिक डोपामाइन है ये धर्म और जाति जी। तो जब तक डोपामाइन नहीं आएगा तो लोग दूसरी चीजें पूछेंगे, उत्तेजना से आदमी दूसरी तरह का रिएक्ट करता है, शांत हृदय से, शांत मस्तिष्क से जब व्यक्ति काम करता है तो वो लॉजिकल हो जाता है। क्या बात, थोड़ा सा पूछता है कि भाई आपने क्या काम किया, आपने रोडे बनाई कि नहीं बनाई, आपने अपने समय में क्या काम किया, तो वो चार्ट पूछता है। तो जैसे ही पब्लिक इनसे कुछ चार्ट पूछने की बात करती, क्या काम किया, तो एक कोई कहता धर्म, कोई कहता राजनीति, वो जाति जी। और क्योंकि 1990 के बाद भारत में धर्म और जाति नहीं, धर्म और जात के आधार पर राजनीतिक दलों ने सत्ता बनाई है और बिगाड़ी भी। ठीक, आप याद करें कल्याण सिंह की सरकार बनी धर्म के आधार पर बनी, लेकिन जब बीएसपी और सपा की सरकार आई तो किस बात पे आई कि मुले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम जी। तो धर्म का काट निकाला जाति, और जाति का काट निकली धर्म। क्या बात, तो इसी जाति और धर्म में पिछले मैं 30 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति, तो कमोबेश भारत की राजनीति में देख रहा हूँ, क्योंकि अपने कर्मों द्वारा, अपने अच्छे कार्यों द्वारा लोगों को प्रभावित करना मुश्किल भी होता है और कभी कभी जनता प्रभावित होती भी नहीं जी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, क्या जवाब देंगे आलोक पांडे की बात का और प्रवक्ता कांग्रेस और नेता सपा की बात का? आलोक पांडे का सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, धर्म में वैज्ञानिक आधार की जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, और धर्म में वैज्ञानिक आधार बता रही कि समस्या कब आ गई, क्यों जरूरी है, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है, कैसी राय है आपकी? आलोक जी की बात अपनी जगह सही है कि देश संविधान से चलता है, सब अपनी जगह सही है, गलत कौन है? लेकिन सब अपनी जगह सही है, गलत कौन है भाई?
हिंदू धर्म के बहुत चीजें वैज्ञानिक आधार पर निश्चित है। हर हिंदू धर्म में जितने भी कर्मकांड है सबके वैज्ञानिक आधार है। अच्छा, और इसको समझने की आवश्यकता है। जिस कार्यक्रम में मोहन भागवत जी बोल रहे थे उस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में जाके बात करिए। अच्छा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे यहाँ पहले श्रुतियों के आधार पर मौखिक चीजें थी जी, फिर मौखिक चीजों को ग्रंथों में उद्धृत किया गया जी, ग्रंथों में कुछ लोगों के द्वारा अपनी मिलावट की गई, मिलावट की गई, और सेंटेंस उनका रिजेक्ट कोट कर लीजिए आप, मैं उससे रिजेक्ट मुझे याद नहीं है जी। और इसमें वैज्ञानिक आधार पे उनकी समीक्षा की आवश्यकता है। तो इसमें वैज्ञानिक आधार पे समीक्षा की आवश्यकता, इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक उन्होंने एक राय दी है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में। एक समय हम विधवा का मुंह देखना पाप समझते थे। अच्छा, कालांतर में भ्रांतियां हमारे समाज में थी, आगे चल के हमने विधवा विवाह का रास्ता खोला। अच्छा, देवर को द्वितीय वर कह कर तो उसी से प्रथम विवाह, उसी से विवाह की औपचारिकता दोबारा शुरू किया। सती प्रथा हावी थी। अच्छा, सती प्रथा पे रोक लगाया सरकार ने भी, उसके लिए समाज भी आगे आया दो कदम, समाज ने भी सती प्रथा को खत्म करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। अच्छा, तो हिंदू समाज तो ऐसा उदार समाज है जिसने तमाम सुधारों को वैज्ञानिक आधार पर बढ़ करके हासिल किया है। अच्छा, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी के बयान को आधार मानवीय है, वैज्ञानिक नहीं है। धर्म ग्रंथ में ऐसी कोई चीज है जिसके वैज्ञानिक आधार नहीं प्रतीत होते हैं तो उसकी समीक्षा होने की आवश्यकता है। अरे कौन से धर्म ग्रंथ में कौन से वैज्ञानिक आधार प्रतीत नहीं होते? ये तो थोड़ा बड़ा बता देंगे, विद्वान नहीं हूँ। नहीं गौरव जी, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, ना मेरा इतना ज्ञान है, ना मैं इसमें कोई बयान करने के लिए अर्पित हूँ। ये तो चूंकि मोहन भागवत जी ने कहा है तो बेहतर वही बता सकते हैं। अच्छा, या कोई धर्मशास्त्री बता सकता है। अच्छा, ये मेरे स्तर का विषय नहीं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। अच्छा, आलोक पांडे बोल रहे थे कि केवल चुनाव इसी मुद्दे पर रखना जाना है, चुनाव इसी लड़ेंगे, इसी मुद्दे पर चुनाव होना है। आलोक पांडे कहना था कि चुनाव इसी मुद्दे पे होंगे, अब धार्मिक मुद्दों पे चुनाव होंगे, राजनीति वही हो रही है। ये आलोक पांडे जी का मत है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में अपने विकास कार्यों पे डबल इंजन की ताकत पे, अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं की चेहरे के साथ जाती है। अच्छा, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करती है। अच्छा, हमने तभी देखिए आप पूर्वोत्तर के 3 स्टेटों में अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा, कांग्रेस तो नागालैंड में शून्य हो गई। अच्छा, विधानसभा नागालैंड, धर्म जाति की राजनीति नहीं करती बीजेपी, है ना? सही बात है जी, जी। बीजेपी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। नहीं, अब हम देखिए, हम धर्म राजनीति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सम्मेलन कराते हैं, सम्मेलन कराते हैं, बस धर्मयुक्त राजनीति करते हैं, सम्मेलन कराते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति। क्या बात, धर्मयुक्त राजनीति करते। क्या बात है, क्या बात है भाई पांडे, बहुत जैसे मुस्कुरा रहे आप। देखिए गौरव भाई, हाँ, इतना असहज मैंने इनको कभी नहीं देखा। असहज है, बहुत असहज है, जवाब दे तो रहे हैं असहज। अभी इन्होंने एक शब्द कहा, आपने देखा भाई, विद्वान प्रवक्ता है बीजेपी के भाई। बिल्कुल, मैं इसको कहीं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। कहाँ असहज लग रहे हैं, आराम मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पर। वो मैं इनका आदर भी करता हूँ, सम्मान भी है, और मेन बात है मार्गदर्शक भी। अरे आपके नाम राशि भी है भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने अभी एक व्याख्या दी किस कार्यक्रम के परिपेक्ष में वो कह रहे थे। हाँ, तो मौर्य जी भी तो किसी कार्यक्रम के परिपेक्ष में पिछड़े वर्ग, मौर्य की बात गलत थी, उन्होंने गलत बात की। मेरी बात पूरी आ जाए, क्या तो रहा है, गलत बात, मेरी बात पूरी आ जाए। अगर किसी कार्यक्रम के परिपेक्ष में वो अपने समाज के लोगों से कुछ बहस या कोई चर्चा हो रही थी तो उसको भी इसी को सकारात्मक मान लीजिए ना। उस पे इतना उग्रित होना, आंदोलित होने की क्या आवश्यकता थी जी? भाई जो मोहन भागवत जी ने कहा, उन्होंने तो मौर्य जी ने तो किसी एक ग्रंथ के लिए कहा था नाम लेकर के। अच्छा, इन मोहन भागवत ने तो सारे ग्रंथों को लपेट दिया एक साथ जी। उन्होंने तो सारे ग्रंथों की समीक्षा की बात कर दी। हाँ, तो कल एक कमेटी बना देते हैं। अच्छा भाई, मैं तो मांग कर रहा हूँ, सदन चल ही रहा है, चलिए कमेटी बना देते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के लोग हो जाएंगे। अच्छा, सारे ग्रंथों का पहले समीक्षा ही करा ले। हाँ, या अगर आप इस बात से सहमत हैं तो उनकी आलोचना कीजिए। हाँ, जैसे आलोचना पूर्ववर्ती में आप कर रहे थे। अच्छा,
पार्टी विशेष की, व्यक्ति विशेष की, मानसिकता की, करिए ना मोहन भागवत की आलोचना, नहीं करेंगे क्योंकि उनका थिंक टैंक है, जमीन तैयार कर रहे हैं आगामी चुनाव के लिए। अब एक और सी बात हुई, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, आगामी बात सुन लीजिए, बता दीजिए गौरव भाई, धर्म राजनीति की आत्मा है, जैसे शरीर में मनुष्य के उसकी आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकती, धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं राजनीति से अलग नहीं हो सकती, तभी आप लोग उठाते रहते हैं मामले, लेकिन तभी आप जो राजनीतिज्ञ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जो राजनीतिज्ञ सदाचारी स्नेही संवेदनशील संकल्पित संपूर्णता की ओर अग्रसित मानसिकता से प्रेरित ओजस्वी प्रकल्पित और सबसे बड़ी बात क्या है सार्वभौमिक व्यक्तित्व का नहीं होगा वो एक स्वच्छ स्पंद राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों की स्वतंत्रता को प्रहारित करने वाला, निकृष्ट बताने वाला, कुठाराघात करने वाला और सबसे बड़ी बात उनको दिशाहीन बताने वाला कभी भी एक स्वच्छ राजनीति नहीं कर सकता है। वो केवल और केवल राजनीतिक आडंबरधारी एक विकृत मानसिकता का परिचायक होता है। अच्छा, तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से कौन इस देश की राजनीति में विपरीत समुदाय का अपमान करता है और कौन सारे धर्मों को सारे समुदायों को लेकर के चलना चाहता है देश के विकास और अपमान करता है भाई, अपमान करता है भाई। देखिए मैं तो कई नेताओं के भाषण अभी निकाल के रख दूं, बोलिए समय दे दीजिए, मैं सबके भाषण यूट्यूब पे प्ले कर देता हूं। अच्छा। कौन मंचों से जालीदार टोपियां देख रहा था, कौन कपड़ों से चिन्हित कर रहा था, कौन आर्थिक बहिष्कार कर रहा था, कौन करते हो भाई, हम तो आप इतने अवतार कराते थे, कर रहे हैं गौरव भाई, आपने कब अपना प्रमाण कराया, आपने नहीं भाई भाई आपने जब यहाँ पर बात कही तो मैं बता जवाब दीजिए कि आपने रोज अवतार कराया, आप भी वही करते थे, आपने हमने अपमान किया, रोज अवतार करा के अपमान कर दिया हमने, जी अपमान नहीं किया, अपमान कर दिया, अपमान नहीं किया, आपने आपने करा एक पर्व से, एक पर्व से आपने कहा, मीडिया के लोग विपक्ष के लोग क्या कहते थे MY फैक्टर, जी ये कौन थे MY फैक्टर, अच्छा पसमांदा समुदाय को किसने, उनको भी कह रहा हूँ मैं तो आपको पहले जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमने तो समाज के पिछड़े दबे कुचले वर्ग जिनको कि समाज में स्थान से स्थान रहित करने का प्रयास किया था, एक विशेष मानसिकता के लोगों ने, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, अच्छा हमने उनको जोड़ने का काम किया जी। जब ये बात करते हैं चुनाव की, पंचायत चुनाव की बात आपको याद होगी, सबसे पहली बार बॉम्बे पिक्चर के रिलीज के बाद पंचायत चुनाव से पिछड़े वर्ग को किसने जोड़ने का काम किया, माननीय जी ये शब्दों का संबोधन, पिछड़े वर्ग को इसका नेतृत्व का योगदान किसको जाता है, नेताजी को जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज जिस बात पे चर्चा हो रही है उस पे भाजपा बैकफुट पे क्यों दिख रही है, अच्छा। क्यों बैकफुट पे नहीं कहूंगा मैं, हाँ। ना समर्थन दे पा रही है, ना उगल पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं, ये बात है, ना उगल पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। अच्छा। मैंने क्या कहा, हमने एक बात आपके सामने रखी उस पे आपने जवाब नहीं दिया, बता दीजिए भाई, सारे धर्मों की समीक्षा की बात हो रही है तो मैं तो बड़ी ईमानदारी से शिष्टाचार से ये पूछ रहा हूं, सुन लीजिए, हाँ। मैं तो बड़ी ईमानदारी और शिष्टाचार से ये पूछ रहा हूं, हाँ। कि धर्मों की समीक्षा करने वाले जरा ये स्पष्ट कर दें, हाँ। उस दिन आंदोलित क्यों हो रहे थे, जिस दिन एक और विशेष धर्म की, हाँ। या एक और ग्रंथ की बात हो रही थी उसमें एक शब्द की व्याख्या, अच्छा। हमने तो केवल एक शब्द को लेकर के कहा था कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए, यहाँ तो पूरे ग्रंथों की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो भाई इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कौन कर रहा है, आप बताइए ना मुझे जी। चलिए ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आपको मेरी आवाज आ रही है, उन्होंने बहुत जगह ये भी कहा कि ऐसे धर्म का नाश हो जी, ये भी उनके बयान है, तो उनकी मेंसरिया ठीक नहीं थी, अच्छा जो उनकी भावना है वो ठीक नहीं जी, क्योंकि जब आप एक परिवर्तन की बात करें, सुधार की बात करें ठीक है, लेकिन आप कहते हिंदू धर्म का नाश हो जाए, ऐसे धर्म का नाश हो जाए, मीडिया में बहुत बयान चला था ऐसे धर्म का नाश हो जाए कहते हुए, तो क्या हिंदू धर्म के नाश की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये फिर कैसे धार्मिक सुधार हुआ, है ना, तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो उनकी जो लॉन्ग टर्म आता है मेंसरिया भावना, मूल भावना वो दूषित थी, इससे दिखाई दे। आलोक पांडे, आलोक पांडे, अभी विवेक पांडे ने यह भी कहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हम लोग नहीं करते हैं, तो मैंने जब इनको जवाब दिया कि आप भी धर्म की राजनीति करते थे तो इनको ये बात बुरी लगी है, नहीं बिल्कुल बुरी नहीं, मैंने कहा मैंने तो नहीं, नहीं मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, बता जब रोजा की पार्टी समाजवादी कार्यालय और सब जगहों पर होती थी, हाँ। और जब भगवान शंकर का केवड़िया यात्रा निकलती थी तो ये लोग कैसे कैसे अवरोध डालते थे जी, इनको याद नहीं है अपने अवरोध हिंदू धर्म के जी, धार्मिक आधार पर विभाजन करते थे उत्तर प्रदेश का
जवाब देगा माइनोरिटी के लिए काम करते थे, जवाब दे दूं जरा, मेजोरिटी को दबा के रखते थे समाजवादी पार्टी वाले। मैं जवाब दे दूं, पांडे जवाब दीजिए। आलोक जी सम्मानित है, बोलिए बोलिए, हमारे अभिभावक स्वरूप है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं बात जरूर रखूंगा जी। आरोपित करने वाले आज हमको MY फैक्टर से जोड़ने वाले आज बता रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। अच्छा। और कहते हैं कि मुस्लिमों का साथ कभी सपा ने नहीं दिया, ऐसे भी वक्तव्य दिए कई बार। दूसरी बात कहूंगा, परशुराम जयंती किसने शुरू की थी, परशुराम जयंती किसने शुरू की थी और किसने उसे बंद करने का कार्य किया? अच्छा, क्या वो धार्मिक उन्माद पैदा करने का विभेद नहीं था? जब RSS के इसी नेता ने ब्राह्मणों को अपमानित किया, क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं थे? क्या हिंदुओं की राजनीति करने वाली RSS भाजपा ब्राह्मणों को हिंदू नहीं मानती? मैं तो बड़े शिष्टाचार के साथ सवाल उठा रहा हूँ, मैं तो शिष्टाचार के साथ सवाल उठा रहा हूँ कि क्या RSS ब्राह्मणों को, पंडितों को हिंदू नहीं मानती? जिस तरीके से उन्होंने राजा सत्यव्रत, मनु आदि राजा सत्यव्रत के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था जो मनुवादी मनु साहित्य में है, उसको ब्राह्मणों पंडितों पे आरोपित करने का, थोपने का प्रयास किया अल्प ज्ञान होने के कारण। उस समय मेरी बात आ जाए, आप अपनी बात रखिएगा, मैं तो एक राजनीतिक दल से आता हूँ, आप तो निष्पक्ष है, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने, समीक्षा आपको करनी है जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या RSS और भाजपा पंडितों को, ब्राह्मणों को हिंदू नहीं मानती? कैसे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर आरोप मर दिया था पिछड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए, और आज जो बयान दिया गया ये किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? यहाँ मुझे लगता है किसी के पास साहित्य सम्मेलन की डिग्री नहीं होगी। अच्छा। यहाँ सभी किसी न किसी UGC रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालयों से पढ़ करके आए हैं, तो इतनी समझ, इतनी बुद्धिमत्ता सबकी जीवित है। हाँ। कि किस परिप्रेक्ष्य में क्या बयान दिया गया, इस बयान के क्या मायने हैं? ये उसी लकीर पे जमीन तैयार की जा रही है भाजपा के लिए, अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए अब, जो कि क्योंकि RSS इनका थिंक टैंक है। अच्छा। उसका विरोध तो ये कर ही नहीं सकते, न इन्होंने ब्राह्मणों के विरोध में जा रहे थे। जब RSS ने ब्राह्मण विरोधी, सुन लीजिए, जब RSS ने ब्राह्मण विरोधी बयान दिया तब भाजपा का कोई एक प्रवक्ता उसका विरोध नहीं कर रहा था। क्या बात। आज जब RSS ने दोबारा समीक्षा करने की बात की धार्मिक ग्रंथों की, तब देखिए भाजपा के लोग डैमेज कंट्रोल में लग गए, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। देखिए मनोज सिंह कांग्रेस, देखिए मैं लेता हूं, देखिए मुझे जो लगता है जी, भाजपा RSS में इस प्रकार का विरोधाभास है, अगर वैचारिक संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये स्थितियां कुछ सामान्य नहीं है। इसमें देखिए बहुत सारे मायने हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा, आदर्शवाद की बात करके अपने आप को स्वयंभू क्लीन चिट देने से भाजपा का या विवेक जी का या इनकी पार्टी का भला होने वाला नहीं है। ये जाति और धर्म के नाम पे अभी रिसेंटली इन्होंने पसमांदा सम्मेलन कराया, तो कैसे इतनी खुलेपन से, इतने हिम्मत से ये कह देते हैं कि हम तो धर्म आधारित, जाति आधारित राजनीति करते नहीं हैं। सबको जोड़ रहे भाई, नहीं जोड़ नहीं रहे। देखिए सवाल क्या है, सबका विकास है, सवाल क्या है, सबका साथ सबका विकास सबका कल्याण, विश्वास, इन्होंने विश्वास ऐसा किया है, ऐसा किया है, सबका विनाश, अर्थ का अनर्थ हो गया है। अच्छा। संकट यही है, जब इस स्तर का वैचारिक मतभेद है और इतना मानसिक संकीर्णता है। अच्छा। तो देश की सूरते हाल तो यही होगा, व्यवहारिक स्थिति यही होगी। तो इसके लिए इनको सजग करने की आवश्यकता है, हर उस मौके पर, हर उस मंच पे, जैसे गौरव जी आपने ये चर्चा का हम लोगों को भाग बनाया, इस प्रकार की चर्चाओं का, स्वस्थ चर्चाओं का दौर पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा। और बहुत क्रांतिकारी तरीके से होना चाहिए। अच्छा। इस भय की वजह से जो देश के ज्वलंत सरोकार के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी अकारण इसीलिए जो जमीन की आवाज है, लोगों की आवाज है, जो व्यवहारिक समस्याएं है, उसको दबाने के लिए इन कारण सारे षड्यंत्र करती है। अच्छा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब तक इस देश में गांधीवादी विचार, अहिंसावादी तरीके से संविधान से प्रदत्त जो शक्तियां मिली हैं, जो सवाल करने का हमारा हुनर है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को कदापि भी, भारतीय जनता पार्टी, RSS चाहे जितना फिक्स मैच खेल ले, चाहे जितना ये इधर उधर कर ले, लेकिन इनको एक्सपोज करने का काम, इनकी नीयत को खोलने का काम, और जनता के प्रति इनकी जो जवाबदेही और जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करने का काम एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता करता रहेगा। अच्छा। मैं इस आपके दर्शकों को यह बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अच्छा। ये केवल जन सरोकार के मुद्दे पर जो इनका खराब वर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको कहीं ना कहीं
दबाने के लिए, निग्लेक्ट करने के लिए, और धीरे से आप चर्चा का वो हिस्सा ना हो, हाँ। इसलिए दूसरे अनावश्यक मुद्दे को जो इनका विषय ही नहीं है। अच्छा। क्या लेना देना धर्म से भारतीय जनता हाँ। पार्टी का, क्या लेना धर्माचार्यों से, और इस प्रकार से मूल जो मर्म है धर्म का, भाव है, उस पर साइंटिफिक व्याख्या करने का इनकी हैसियत नहीं है। अच्छा, इनकी हैसियत नहीं है पांच लाइन बोलने की। अच्छा, अरे कैसी बात, क्या बात करते हैं, ये अपने विषय पर बात करें, सरकार में बोलने है, हैट्रिक बनाने जा रहे हैं आप, कह रहे हैं हैसियत नहीं है, नहीं हैसियत, हैसियत होती तो मानसिक दिवालियापन है इनका, ये विकार है इनका, इनको बार बार हैट्रिक की बात कर रही बीजेपी, आप कह रहे हैं हैसियत नहीं है, इनको जो काम मिला है 10 साल से आपको बाहर करके रखा, आप कह रहे हैं हैसियत, वो ठीक है, राजनीति में हार जीत बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, सवाल क्या है कि जनता के लिए लड़ा कौन होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, आजादी के लिए खड़ा कौन होता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के झूठ जुमले मिथ्या प्रचार की राजनीति की बकवास की राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित कौन है। अच्छा, ये सवाल याद रखेगा, ये भारत का इतिहास, भारत का युवा याद रखेगा। ठीक है, ठीक है, बेबी पार्टी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बेबी पार्टी बोले, मैं जल्दी बोलिए, शिष्टाचार के साथ अपनी एक बात रख दूं, जल्दी बोलिए, देखिए टाइमिंग बड़ा मैटर करती है किसी बयान के पीछे। हाँ। एक मोहन भागवत ने और पूरी भाजपा ने कानपुर पे जो दो ब्राह्मण महिलाएं जल गई, माँ बेटी जल गई, उन पर कोई बयान नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात कहूंगा, टाइमिंग इसलिए भी मैटर करती है कि प्रयागराज में जो इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें भाजपा का कनेक्शन सामने आया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन को बीजेपी ने पद से हटाया, जिसका भाई शूटआउट में गुलाम शामिल था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। देखिए, अच्छा, इनके जो भी बयान आते हैं भटका रहे, टाइमिंग बड़ा मैटर करता है, जनता का ध्यान भटका भटका रहे, लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं इनकी सरकार फेल है। अच्छा। जो सरकार उत्तर प्रदेश को स्थायी बुलडोजर, नहीं नहीं बुलडोजर चला तो कानपुर में क्यों नहीं चला, कानपुर में बुलडोजर कहाँ था, भूल गए होंगे तो इनको याद दिला दूं कि जो बुलडोजर कानपुर में नहीं चला वो यहाँ चल रहा है, और उसमें इनका कनेक्शन भी सामने आ गया है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रही है, वो कानून व्यवस्था संचालित कर रही है, इनके इंजन की तरह पुलिस भी दिशाहीन इंजन की तरह काम, दिशाहीन इंजन के होते हुए काम कर रही है। अच्छा। भाई कार्यकारी डीजीपी का अर्थ आप भी जानते हैं। अच्छा। कोई जिम्मेदारी, कोई छींटे अपने ऊपर लेना पसंद नहीं करता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये पूछूंगा, इस बार डीजीपी की रेस में कोई अधिकारी दिखा क्यों नहीं, क्योंकि यूपीएसआई की जो भर्तियां, जो भ्रष्टाचार हुआ सदन में झूठ बोल रहे हैं, जिसमें 3 से अधिक सेंटर मालिक, 60 से अधिक एफआईआर में 200 से अधिक लोगों को नामजद किया गया, और उसके बाद ना कोई एसआईटी बनती है, ना कोई सीबीआई जांच की मांग होती है, सीबीआई जांच की लगातार ट्रेंड चल रहा है, आप ट्विटर पे देख लीजिए, लगातार ट्रेंड चल रहा है, तो लेकिन सरकार तो मौन, और खन्ना जी ने ये कह दिया कोई रिट पेंडिंग नहीं, सर हल्ला बोल कर दीजिए आप विपक्ष में, तो हम तो हल्ला बोल कर रहे हैं, आपके पास सुन लीजिए, हम तो हल्ला बोल कर रहे हैं, हम प्रवक्ता, हम यहाँ भी हल्ला बोल कर रहे हैं, हम बाहर भी हल्ला बोल कर रहे हैं, हमारे मंच पे हल्ला बोल करेंगे, यूपीएसआई का भ्रष्टाचार, सुन लीजिए, यूपीएसआई भर्ती के भ्रष्टाचार के छींटे किसी के दामन पे न लगे, इसलिए इस बार इन्होंने यूपी को स्थायी डीजीपी नहीं दिया, जवाब दीजिए, अधिकारियों ने बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है, पसंद नहीं किया, विवेक श्रीवास्तव बहुत दर्द है भाई, विवेक पांडे बताइए क्यों कर रहे भाई आप गड़बड़ ऐसे, देखिए देखिए गौरव जी, अभी पूर्णकालिक बीजेपी की बात करते करते बॉर्डर स्कीम पे चले आएंगे, उनकी इच्छा ये है जनता से जुड़े तो आऊंगा, जो मुलायम सिंह यादव ने डैमेज कंट्रोल हमें थोड़ी करना है, अखिलेश यादव के समय में कन्नौज मैनपुरी इटावा में भर्तियां की थी पुलिस में, उन सबको अपने अपने जिले में भेज दिया है, ताकि वहाँ पे इनका जंगल राज कायम हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी शासन का विषय पे आ गए, विषय आ गए, इस विषय की बात हो रही है, किस ग्रंथ की समीक्षा हो रही है ये बताइए भाई, पहले कौन से ग्रंथ को लिया जाए, हिंदू धर्म में एक वैज्ञानिक आधारित धर्म है और हम विज्ञान को मानते हैं, हाँ तो विज्ञान में बताइए किस ग्रंथ की समीक्षा पहले होगी, हनुमान सेतु पे भाजपा ने कहा सदन में कि उसके अस्तित्व होने के प्रमाण ही नहीं है, यही जब कांग्रेस ने कहा था तो उग्रता फैला दी थी सड़कों पे आकर के, मैं तो पूछ रहा हूँ राम सेतु पे, सॉरी, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई जो आप किस धर्म की, किस ग्रंथ की समीक्षा पहले करने जा रहे हैं बताइए, हम भी तैयारी कर लेंगे उसकी, मोहन भागवत का विरोध नहीं किया इतनी देर में इन्होंने, नहीं कहा कि मोहन भागवत जी को, अरे क्या तो है भाई, एक कार्यक्रम में बोले हैं, हां तो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का असर क्या हुआ, आज हमारी भावनाएं भी तो हाथ हो रही है भाई, मैं कह रहा हूँ कि कई प्रकार के ग्रंथ है, कई पुराण है, उन्होंने तो सारे ग्रंथ पुराणों को समेट दिया, सबकी विवेचना हो, अब विकास के काम छोड़ करके सारा जनाधार पहले चलकर, बढ़िया चल भी यही रहा है, चल भी यही रहा है, चल ठीक है, विवेक श्रीवास्तव बात करी पूरी भाई, हल्ला बोल करने वाले आज आज क्यों है, बे पांडे बात आ जाए, मैं तो विवेक श्रीवास्तव भैया को देखना चाहता हूँ उस उग्र रूप में, अच्छा, उग्र जब रूप उस समय वो चिल्ला रहे थे भैया, उग्र हो जाइए, इनको उग्र रूप चाहिए भाई, हमारे यहाँ लोग उग्र हो जाइए, कम से कम जीवित है लोगों ने विरोध किया, भाजपा के लोकतंत्र की गूंगे करके बिठा दिए गए, सपा वाले उग्रता पसंद है, आलोचना भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बात रख नहीं सकते, बोले विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए, बोलिए, देखिए
मैं बार बार कह रहा हूँ सनातन संस्कृति हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक आधार वाला धर्म है जी। हम विज्ञान हमारा कोई कर्मकांड कोई रीति रिवाज ऐसे नहीं है जिनमें वैज्ञानिक स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत तथ्य डाले, ये क्या चला रहे हैं आप गौरव भाई, गलत चीज है। अच्छा, आप तुलसीदास जी को और कई जो रचयिता थे सबको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये किसने बयान दिया बताइए आप मुझे, स्वार्थी किसको कहा गया है? हमने उन्होंने किसी विवेक भैया मैं आपके साथ हूँ, विवेक भैया मैं आपके साथ हूँ, स्वार्थी किसको कह रहे हैं आप? मोहन भागवत स्वार्थी किसको कह रहे हैं बताइए? तुलसीदास जी ने रामायण लिखी उसमें शूद्र शब्द डाल दिया, स्वार्थी किसको कह रहे हैं? उन्होंने स्वार्थ के लिए डाला था क्या कि डलवाया गया था? गौरव भाई बताइए, आप बताइए, आप पत्रकार हैं आप बताइए, बिल्कुल सही बात है बताइए भाई। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य ने कई काव्यों की रचना की, उसमें अगर कुछ लिख दिया तो क्या उन्होंने स्वार्थ के लिए किया? कहता है मौखिक बोले थे ये, अरे तो मौखिक ही तो बोला जाता है और क्या लिखित दिया जाता है क्या भाई? मैं तो पूछ रहा हूँ, यहाँ सम्मानित हमारे आलोक भैया बैठे हैं वो बता दे ये स्वार्थी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए एक एक लाइन मुझे देखिए बताइए मुझे भाई, देखिए देखिए आलोचना नहीं हो रही है सनातन की, सनातन की सरकार आलोचना नहीं कर रही है, बताइए धार्मिक ग्रंथों पे अपमानित क्या करने का काम कर रही है? मुझे लगता है विवेक भाई जी ने जिस विवेक भाई जी जैसा कार्यकर्ता नेता नहीं नहीं इन्होंने जब मोहन भागवत के बयान को पूरी तरीके से असहमत होके मन मन में खारिज कर दिया है तो उसके इस बयान का असर आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये इनका जो बार बार विवेक जी कह रहे हैं उस संदेश को समझिए जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा, कि हम विद्वान नहीं है और इस पे उन्होंने सांकेतिक रूप से मोहन भागवत जी को इशारा किया है कि ऐसी स्थिति ऐसी अनर्गल और अनावश्यक बयानबाजी ना किया जाए। आप उनकी पीड़ा को समझिए, पीड़ा उनकी वेदना को समझिए, आज पीड़ा है क्या रूप में दिख रहे हैं, असहज हैं, असहज है, इतना ज्यादा आक्रामक मत होइए आप उनके ऊपर जी। बोलिए भाई उससे बोलिए, गौरव जी समझ गया असहज है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसकी मूल अवधारणा है और उसमें तमाम सारे अनुसांगिक संगठन है जिसमें इतिहास के पुनर्लेखन से लेकर के धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन तक के लिए एक अलग संगठन बने हुए हैं। अगर मोहन भागवत जी कहते हैं तो उसका कुछ आधार होगा। अच्छा, लेकिन अब किस परिपेक्ष में कह रहे हैं आधार, ये लो आधार ही पूछ रहे हैं, आधार ही तो पूछ रहे हैं, क्या आधार है बताइए भाई, हम भी तो उस आधार पर सुन तो लीजिए, मैं देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारा मात संगठन है, हम विचारधारा के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ देखते हैं, विचारधारा की खुराक हमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही प्राप्त होती है, स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ। और जब अगर मोहन भागवत जी ने कुछ कहा है तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, इसका विस्तृत बात तो वही बता सकते है। हाँ, ये इस बात सबको सहमत होना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में अगर कोई चीज ऐसी जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है तो उनकी समीक्षा की जानी चाहिए, इसमें किसी को नानुकूल नहीं करना चाहिए। बहुत सरलता से बात समझने की आवश्यकता है कि धर्म क्या है पहले समझ लीजिए, और धर्म वही है जो मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो विवेक भैया को, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मांग को स्वीकार कर लिया भाजपा ने, और ये अब समीक्षा करेंगे रामचरितमानस की भी, शब्द की भी, रामचरितमानस पर नहीं कहा भाई, नहीं धार्मिक ग्रंथों की बात, रामचरितमानस क्या धार्मिक ग्रंथ ही मानते हैं? हम तो मानते हैं, तो धार्मिक ग्रंथों की बात हुई है ना, धार्मिक ग्रंथों की बात हुई है ना, और ये तो बोल रहे की समीक्षा होनी चाहिए। अभी विवेक श्रीवास्तव भैया ने कहा समीक्षा होनी चाहिए, तो ठीक है विपक्ष के नाते आप मांग मान लीजिए, पहले इसी की समीक्षा करवा लेते हैं ना, आज तो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए धार्मिक ग्रंथों की। हाँ, तो इन्होंने मांग को स्वीकार किया, इसके लिए मैं इनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। ये बता दे बस कि कब से समीक्षा बोलना, तो लीजिए तभी तो बताएंगे आप, बताइए। देखिए गौरव जी, जिस पंक्ति पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था जी, उस पंक्ति पे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सदन में आ गया जी, और बयान तो खन्ना जी ने भी दिया कि सारी रीट खारिज हो गई है, झूठ परोस रहे हैं खन्ना जी, उनसे कहिए माफी मांगे भाई, रिट पेंडिंग है विवेक भैया, रिट पेंडिंग है, मैं आपको उसकी ऑर्डर कॉपी भेज देता हूँ। अरे भाई रिट, अरे उन्होंने कह दिया, सुनिए तो, आपके नेता ने जिम्मेदार सदन में खड़े होके कहा कि रिट खारिज हो गई है यूपीएससी से संबंधित, नहीं फंस नहीं गई, ये तो गलत है, ये तो गुमराह करने वाला बयान है, सरकार झूठ बोल रही है सदन में, योगी आदित्यनाथ की सरकार झूठ बोल रही है,
और इस बात को स्वीकार कीजिए। जवाब मिलेगा सदन लंबा चलेगा भाई भाई, लेकिन 21 मार्च को जो डेट फिक्स हुई है उसको ये बतला रहे कि झूठ है ये सदन में बोल रहे हैं कि खारिज हो गई सारी डेट, इसका जवाब दिया जाएगा भाई। 7.5-8 लाख अभ्यर्थी, अरे सवाल ही करेंगे जवाब भी मांगेंगे गौरव भाई। 7.5-8 लाख अभ्यर्थी आपका चैनल देख रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को उम्मीद है आपके चैनल से न्याय मिलने की। सरकार इस विषय पे बात नहीं करना चाहती। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जब ये विषय उठाया तो खन्ना जी ने खड़े होकर के झूठ परोस दिया। इतनी असंवेदनशील सरकार जो सदन में झूठ बोल सकती है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर सकती है, वो संविधान को मानेगी? ओम प्रकाश राजभर ने उठाया था मुद्दा? ये मुद्दा सबसे पहले सदन में हमारे ओम प्रकाश जी ने उठाया, ओम प्रकाश सिंह जी ने। अच्छा, ओम सिंह ने उठाया जी। अच्छा, राजभर जी ने उठाया होगा, मैं उसके बारे में नहीं जानता। नहीं अच्छा, उठाया मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूं। लेकिन मैं बड़ी शिष्टाचार के साथ कह रहा हूँ, जो सदन में इनके मंत्री झूठ बोल रहे थे, जिम्मेदार संवैधानिक पद पे रहते हुए संवैधानिक संस्था से जुड़े मसले जिस सरकार को नहीं पता है, आप खुद सोचिए वो सरकार कितनी सोई हुई है। लोक भवन के एसी से निकलने की आदत होती सत्य का जी, वहां से आपके प्रमुख पूछे क्या सदन में, पूछे क्या इस तरह की याचिका आपने? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सदन में भी ये बात उठाई जा रही है। अच्छा। मैं कई बार खुद आपके मंच से इस बात को उठा चुका हूँ। हाँ। और सुन लीजिए, 7.5-8 लाख अभ्यर्थी जो भी चैनल इस बात को उठा रहे हैं, उनकी डिबेट्स लगातार देख रहे हैं, उनसे लगातार हैशटैग चला रहे हैं, ट्विटर से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे वो बच्चे से बात केवल इतनी है। इन दो बातों पे विवेक भैया अपनी बात स्पष्ट कर दें कि रामचरितमानस की जो इन्होंने कहा समीक्षा कब से हो रही है, दूसरी बात यूपीएसआई पे एसआईटी या सीबीआई जांच कब बैठ रही है, इसकी बात बता। ठीक है, दो सवाल विवेक से जवाब दीजिए भाई, बहुत दर्द है इनको भाई, इनसे दर्द खत्म करिए पहले। देखिए गौरव जी, विषय को सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, केवल प्रश्न पूछ के समय जाया करना चाहते। मैंने बहुत वेदनता से उत्तर दिया कि हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक आधारित धर्म है और हमारी सनातन संस्कृतियों में तमाम चीजें ऐसी है जिसमें जिसका आधार वैज्ञानिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी का एक बयान है कि ऐसे धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिक आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही गलत है। स्वामी प्रसाद बयान के बयान पे मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर एक बयान दे दिया, मुख्यमंत्री जी संत समाज से है और उचित व्यक्ति है उस विषय का परिमार्जन करने के लिए। हाँ। उसके बाद उस विषय पर चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए। हाँ। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अवधि में लिखा ग्रंथ है। हाँ। जहाँ चित्रकूट के वहाँ तारणा का क्या मतलब है, अवधि में तारणा का क्या मतलब है, सारा विषय स्पष्ट हो चुका है। शूद्र शब्द का भी उन्होंने अर्थ बता दिया कि समित विषय से है, इस शूद्र को जाति में ले जाके जोड़ना ये ठीक नहीं है। अब सारी बात स्पष्ट होने के बावजूद अगर समाजवादियों के समझ में नहीं आ रही बात, तो अब इनको तो यही कहा जाएगा साहब ये गठबुद्धि लोग हैं, इनको कैसे समझाया जाए? एक और सी बात है, नहीं, तो हनुमान जी की जाति क्या बताई गई थी, जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए, किस आधार पे बताई गई थी वो सब बहुत डिटेल विषय आप चर्चा कर लीजिएगा। हनुमान जी की जाति किसी ने नहीं बताई थी तो समझ लीजिएगा, मैंने उस पर भी आरोप लगा दिया था। गौरव भाई, हनुमान जी की जाति भी नहीं बताई थी किसी ने, बताई नहीं, नहीं, ये जातियों की राजनीति समाजवादी पार्टी वाले करते, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, याचिका ही पूछ रहे हैं आपसे, याचिका जवाब दीजिए। आज का विषय बहुत ही वैज्ञानिक विषय है, बहुत वैज्ञानिक, इसमें सरलता से, सहिष्णुता से, उदारता से सभी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जिन चीजों के वैज्ञानिक आधार है उनको परिमार्जित करके संकलित किया जाए और जिनके वैज्ञानिक आधार नहीं है उनको देख करके समीक्षा की जाए। ये आलोक पांडे, अच्छी बात है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आलोक पांडे, आलोक पांडे आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आलोक पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनका संपर्क टूट गया है। मनोज सिंह अपनी बात पूरी करिए। मनोज सिंह, नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की बयानबाजी से संगठन की विचारधारा, और भले उदावा करें कि हम राजनीति से मतलब नहीं है, हम तो राष्ट्र में समाज सेवा और दूसरे कामों के लिए हमारा उद्देश्य काम करते हैं, लेकिन ये छटपटाहट, ये अकुलाहट, ये व्याकुलता, ये इनका मानसिक दिवालियापन ये बता रहा है कि वाकई इनका काम क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सांठगांठ का मामला है। जब चुनी हुई सरकार के रूप में, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट और सरकार हर उस मुद्दे पर जो भारत के भविष्य को स्वस्थ, समृद्ध,
और बेहतर करने के लिए नीतियां बननी चाहिए, उसमें जब ये पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं पद से बदहाल व्यवस्था को छुपाने के लिए ऐसी अनावश्यक गैरवाजी बयानबाजी को जन्म दिया जाता है जिस पर चर्चा हो और चर्चा के केंद्र में ये विषय अच्छा आ जाए, वो विषय छोटा हो जाए जो वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है। मनोज भाई, नागालैंड में हार गए, त्रिपुरा में हार गए, किस प्रकार ने इन्होंने किस प्रकार कैसे इन्होंने सरकार बनाई है आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता, बता दीजिए कैसे बनाई जनता का, नहीं जनता का जनादेश तो सर आंखों पर है। हिमाचल में कैसे बनाई है आपने सरकार, वो बता दीजिए। जनता का जनादेश गौरव जी लोकतंत्र में सर आंखों पर है, उससे अच्छा। कोई बच नहीं सकता, जैसा भी हमें तो मानते हैं कांग्रेस कमी रही वहां, लेकिन लेकिन हमारा नुकसान में है कांग्रेस, वहां पर नुकसान में भी नागालैंड में भी। जी देखिए, कुछ भी राजनीतिक परिणाम हो ठीक है, हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम और तत्परता से और तन्मयता से उस पर लगेंगे, लेकिन सवाल जो मुख्य है भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बना रखा है झूठ की बाजार, इसको इसके खिलाफ झूठ झूठ क्यों बोलते भैया, बिल्कुल झूठ है। देखिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से सैद्धांतिक रूप से देश बचाने की लड़ाई लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को उनके जनता के सवालों पर लाना है, जनता की सेवा करना इनका दायित्व है और ये उससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, कोई अनावश्यक बयानबाजी को जन्म देके ये जनता की जो असली मसले हैं उनके मुद्दे हैं अच्छा। उनसे ये बच नहीं सकते, ठीक है। ये हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। विवेक पांडे बोलिए। देखिए मैं गौरव भाई बड़े शिष्टाचार के साथ जवाब दे दिया, आपने विक्सिया से आपका जवाब दे दिया, नहीं नहीं संतुष्ट हो गए आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए उनके जवाब आज वो मैं बता रहा तो रहा हूँ, मैदान में फुटबॉल खेली जाती है, गोल गोल वाले चल रहे हैं, वो असहज है, वो भी जानते हैं, उनका उनकी आत्मा भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही होगी। अच्छा। क्योंकि जिस दिन आपने एक डिबेट रखी थी आपको याद होगा, उस दिन इनके भाव क्या थे और आज ये भाव क्या है, ये बड़े असहज है, क्योंकि देखिए भारत कोई असहज नहीं आ रहा तो बैठे हुए क्या असहज है, यही तो असहजता है। अच्छा आज ये बैठे हुए हैं जी, उग्रता नहीं दिख रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, भाजपा का आंतरिक लोकतंत्र ऐसा है, सुन लीजिए गौरव भाई, भाजपा का उत्साहित करिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, भाजपा नहीं, मुझे उनको उत्साहित नहीं करना है, वो उत्साहित रहते हैं, भाजपा का आंतरिक लोकतंत्र ऐसा है जहाँ पे बोलने की आजादी नहीं है। अच्छा, आप अपने नेतृत्व का विरोध नहीं कर सकते। अच्छा, वहां आप अपनी बात की बात को आलोचनात्मक तरीके से नहीं रख सकते। अच्छा, आप अपनी बातों पे विरोध दर्ज नहीं करा सकते। अच्छा, उसका ज्वलंत उदाहरण है आरएसएस द्वारा पूर्व दिया गया बयान ब्राह्मणों के ऊपर। हाँ, दूसरा एक बयान जो आज आया है, ब्राह्मण पंडित का आता है, सुन लीजिए मैंने कहा ना यहाँ पे कोई किसी सब यूजीसी पढ़े हुए अच्छे विद्यालयों से आए हुए लोग है, किसी सम्मेलन की डिग्री लेके नहीं बैठा है, परिपेक्ष सभी लोग समझते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जिस बुलडोजर पे वाहवाही ली जा रही है, सदन में भी जिस तरह की भाषा की का इस्तेमाल किया जा रहा था वो बहुत ही निंद्रापूर्ण है, निंदनीय है। और आपको याद होगा यही अति कहमत है जिनका हाथ झटक दिया था मंच पे अखिलेश यादव जी ने, उनको मंच से उतरवा दिया था। अच्छा, और आज लेकिन जो कनेक्शन सामने आया है इस परिपेक्ष में ये बयान इसी समय आना, कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने का, सिर्फ और लोगों को बरगलाने का, लोगों का दिशाहीन करने का प्रयास करने की एक चेष्टा है भैया, कुछ चेष्टा है, क्योंकि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे फेल है लगातार। आप एनसीआरबी के आंकड़ों पे एक दिन डिबेट रख लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कानून व्यवस्था पे डिबेट हो जाए, ये पैनल बैठ जाएगा और एनसीआरबी के आंकड़े मैं अपनी सरकार के दूंगा, इनकी सरकार के दूंगा जी, और वो एनसीआरबी के आंकड़े होंगे, खुल करके बात हो जाएगी। जवाब दीजिए, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जो उद्योग समिट की बात हो रही थी, यहाँ पे लंच पैकेट सप्लाई करने वालों के पेमेंट इन्होंने नहीं करी। अच्छा। जिलाधिकारी ने कहा है कि आपकी हैसियत देख करके आपको काम दिया गया था, 33,000 करोड़ का निवेश आता है और 1.5-2 करोड़ की पेमेंट रोक दी जाती है। भाई वीडियो वायरल है, आपने लोगों को हैसियत देकर के काम दिया, चंदे तो आप अपने राजनीतिक दल के अपने अकाउंट में ले लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड से ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन आम जनमानस की जो स्थिति इन्होंने कर रखी है प्रदेश में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन्माद के नाम पे, समुदाय के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, वो स्थिति मुझे लगता है कहीं दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, राम मंदिर से दिक्कत है, राम मंदिर के नाम पे चंदों में होने वाले घोटालों से दिक्कत है, जमीनों में होने वाले घोटालों से दिक्कत है भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार से जिसको की उजागर कर दिया हमने। उग्र हो गए वो, आइए 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 मैदान में, आइए मैदान में, आइए बताइए गौरव जी। जी दिल का दर्द जुबान पे आ जाता है, अच्छा छिप नहीं पाता, अच्छा नहीं पाता है। समाजवादियों का दर्द, आप लोग का तो दर्द ही खत्म कर दिया गया, क्या किया जाए, निर्माण के रास्ते भाई, आप तो भ्रष्टाचार के पोषक बन गई है भाजपा। वो मंदिर सदन में खन्ना जी का ये बयान ऐतिहासिक याद रखा जाएगा, सदन में खन्ना जी का याद रखा जाएगा। सुन लीजिए,
उसमें दर्शन का लाभ भी जनता को प्राप्त होने लगेगा। तो मंदिर निर्माण से इनके पेट में दर्द गौरव भाई उज्जैन में, उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर में लिस्ट लग गई है, किस तरह के दर्शन आप चाहते हैं उसकी रेट लिस्ट लगा दी गई है। अच्छा, बाबा विश्वनाथ पे लिस्ट लग गई है, मंदिर के नाम पे वसूली शुरू कर दी गई है। अच्छा, धर्म के नाम पे वसूली शुरू कर दी गई है, सुविधाओं के नाम पे वसूली शुरू कर दी गई है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपके सामने रख दूं, विवेक श्रीवास्तव भैया हो सकता है इस पे जवाब दे दे। अडानी ने अपने डूबे शेयरों की कीमत को वसूलने के लिए एयरपोर्ट पे सुविधाओं के रेट दाम बढ़ा दिए। अच्छा, सुविधा देने के नाम पे अब 1,000 रुपए 1,200 रुपए ज्यादा वसूले जाएंगे। अच्छा, जबकि आम नागरिक उतरता है, सामान लेता है, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब जो नुकसान अडानी को हुआ है उसको वसूलने के लिए एयरपोर्ट जितने हैं सब पे सुविधा शुल्क बढ़ा दिया गया। सरकार सो रही है क्या? सरकार इतनी ज्यादा असहाय है कि अडानी मनमानी करता जा रहा है और सरकार बोल भी नहीं रही है। नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं तो विरोध करूंगा, मैं विपक्ष में हूँ, जनता की आवाज उठाना मेरा काम है। बोलिए भाई, बोलिए। ये धर्म ग्रंथ के आड़ में लोगों को लुटवा रहे हैं, जवाब दीजिए। ये धर्म के आड़ में लोगों को लुटवा रहे हैं, देश की जनता को लुटवा रहे हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए जी। पहली बात तो सारे एयरपोर्ट अडानी के पास संचालन करने के लिए नहीं है। यही तो सवाल है कि जो उनके पास है उस पर क्यों बढ़ाया गया? यही तो सवाल है कि जो अडानी के एयरपोर्ट है उसी पे सुविधा शुल्क क्यों बढ़ाया गया? जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। इनको ये समझ के बात करनी चाहिए तथ्यात्मक रूप से। जी, दूसरे जिस विषय पे आज डिबेट थी उसी विषय पे बात करते, इन्होंने दुनिया भर के अपने दर्द निकाले हैं। बिल्कुल निकालूंगा मैं तो विपक्ष भाई, जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ, व्यक्तिगत तो उठा नहीं रहा हूँ। जनता के मुद्दे नहीं है ये तो, समाजवादियों के दिल का। अडानी का मुद्दा आपका व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अडानी आपका सबसे करीबी है। ना तो अडानी, नहीं नहीं, बिल्कुल अडानी सबसे करीबी है। अडानी के एयरपोर्ट पे ही क्यों शुल्क बढ़ाया गया? आप ही अपनी बात में फंस गए। अडानी के एयरपोर्ट पे शुल्क बढ़ा है, बाकी एयरपोर्ट पे नहीं बढ़ा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ बोलिए। गौरव जी ने बुलवा लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुनना नहीं चाहते। आखिरी 5 मिनट बताइए, आरोप लगा करके समय खराब करना चाहते। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भैया, बोलिए। इस तरह जवाब नहीं हो पाता, अगर बीच बीच इस तरह से टिप्पणी टिप्पणी करेंगे तो कैसे कोई जवाब देगा? टिप्पणी टिप्पणी कर रहे भैया। अच्छा, पिटर पिटर कर दीजिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए देखिए गौरव जी, बहुत सरलता से मैं समझा रहा हूँ। हिंदू धर्म में विज्ञान आधारित धर्म। अरे कुछ अपने आरएसएस के विचारक और मोहन भागवत जी को भी समझा दीजिए, आप तो समझदार आदमी है, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हैं वो नहीं समझदार हैं, उनको थोड़ा पाठ पढ़ाइए। नहीं नहीं, आप अपनी समझ को ठीक कर ले। हाँ। ऐसी आपसे अपेक्षा है। हाँ। वहाँ जो बैठे हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार है, वो समझदार है, ठीक है, अपनी समझ। बयानबाजी ना समझी वाली क्यों दे रहे हैं? जो अभी कैम्ब्रिज गए दाढ़ी बनवा के, उनकी भी समझ ठीक कर ले। अच्छा, हमारी तो हमारी और आप समझ जनता भी ठीक कर दे रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शून्य साल के खाते में नागालैंड की विधानसभा में शून्य पा गए हैं। अभी भी आपको ज्ञान नगर नहीं ठीक हो रहा है, ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा है। तो आगे और जनता को मौका मिलेगा, जनता आपका और ज्ञान। सवाल पूछने से आप चुप क्यों जाते हैं? आप जो मोहन भागवत जी ने कहा है तार्किक रूप से समीक्षा होनी चाहिए वैज्ञानिक रूप से, तो वही तो सवाल पूछने का अधिकार है, मैं पूछ रहा हूँ, तो आप विचलित हो जा रहे हैं। नहीं, हम विचलित नहीं है, आप विचलित आप हो गए हैं। हाँ। जिन्होंने बहुत सरलता से एक बात कही है। हाँ। कि ऐसे धर्म ग्रंथों का वैज्ञानिक आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। हाँ। जो जो चीजें वैज्ञानिक आधार को पुष्ट करती है उनको परिवर्तित करके धारण किया जाए, जो पुष्ट नहीं करती है उनकी समीक्षा होनी चाहिए। आपके अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, आप तो इस्लाम वाला रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। अगर कोई कहे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। अच्छा। हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ता। अच्छा। हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु उदार है और समय और विज्ञान के साथ साथ चलने वाला धर्म है, ठीक है जी। ये आप अपना जो इस्लामीकरण वाला रवैया, इससे बाहर जाइए। संविधान के साथ जब आपने छेड़छाड़ की तभी आपने इसका इसको समझ में नहीं आई। बहुत संशोधन तो आपने बिना सदन को विश्वास में लिए कर डाले संविधान में जी। अगर मैं सारी विषयों पर चर्चा करूंगा तो आप अच्छा एक लाइन में, ठीक है विवेक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के रूप से औपचारिक रूप से आप ये कहिए, बीजेपी इस बयान का समर्थन करती है कि नहीं? ये द्वंद्व को दूर कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो मोहन भागवत ने कहा है कि वैज्ञानिक आधार पे धर्म ग्रंथों के इन बयानों की समीक्षा होनी चाहिए। कोई ऐसी निरर्थक बात नहीं। गौरव भाई, जो 80% जनता चाह रही है करवा दीजिए, आप ही बोल दीजिए सरकार कर दे। ठीक है ठीक है,
आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी, महत्वपूर्ण चर्चा थी मोहन भागवत के बयान पर, चर्चा थी सपा के ट्वीट पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जो राजनीति है वो इस समय केवल धार्मिक चल रही है, धार्मिक मुद्दे और धार्मिक बयान इस समय सिरमौर बन चुके हैं भारतीय राजनीति के। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि धर्म केवल व्यवस्था के लिए नहीं, धर्म बना है आस्था के लिए, भक्ति के लिए, विश्वास के लिए। धर्म राजनीति के लिए बना था ना बना है, पर चूंकि हमारे देश के नेताओं को धार्मिक मुद्दे इतने पसंद आ चुके हैं कि समय समय पर उनके बयान आते रहते हैं। अगर भारत में वास्तव में एक अलग पटकथा रचनी है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो कम से कम एक व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा कि धर्म से अलग कुछ मुद्दों की राजनीति की जाए, तभी बदलाव होगा, तभी विकास होगा और तभी हम विश्वगुरु बनने का सपना देख सकते हैं। अन्यथा धार्मिक मुद्दों से केवल केवल एक ही चीज़ होती आई है, वो होती है धार्मिक सौहार्द और हमारा आपसी भाईचारा खराब होता है। धर्म से केवल केवल लगाव रखिए, आस्था रखिए, विश्वास रखिए, भक्ति करिए, ना कि राजनीति करिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।